गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंजॉयिंग द स्टडी। हिमालयन रिवर हम पढ़ रहे थे, गंगा इंडस हैज बिन कंप्लीटेड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, पुत्री नहीं। देखो, ओनली वर्ल्ड की सिंगल एंड ओनली रिवर है जिसका नेम किसी मेल पे है, बाकी सब फीमेल नेम से मतलब रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र किस रीजन की है? हिमालयन रीजन की, एज पर योर सिलेबस। ठीक है, अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। राइजेज इन तिब्बत मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक याद आ गया होगा आपको, इंडस जहाँ से ओरिजिन हो रही थी वहीं से कौन मतलब राइज हो रही है, ब्रह्मपुत्र हो रही है। तो तिब्बत में मानसरोवर लेक से और ये ब्रह्मपुत्र है वो राइजेस होती है, वहां से फिर स्लाइटली लार्जर देन इंडस, और इंडस से थोड़ी सी लंबी है ये, इंडस से थोड़ी सी क्या है, लंबी है। इसके अलावा इट टेक्स यू टर्न फ्रॉम नामचा बरवा। ठीक है, यहाँ से गुजरी। नामचा बरवा याद करो कहाँ कहाँ पर था। नामचा बरवा था अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा जो माउंटेन्स पीक है उससे ये इंडिया में क्या करती है, इंटर करती है। इसके अलावा हेयर इट इज नॉन एज द दिहांग, और जहां पर ये इंटर करती है उसका नाम क्या है, दिहांग है। ठीक है, अब एंटरिंग इन इंडिया इट्स कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिल्ट। और इसके अलावा देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल वॉल्यूम इन तिब्बत। वाटर का जो वॉल्यूम है ये स्मॉल है, मतलब थोड़ा है। तो आपको पूछना होगा कि आपको पता कर होना चाहिए कि ये क्यों है भाई, यानी तिब्बत में पानी कम है, वॉल्यूम भी इसका कम है, और इंडिया में ज़्यादा क्यों हो गया। ठीक है, बताओ, सोचो, फिर मैं बताता हूँ। इसके आगे क्या लिखा है देखो, एंट्रिंग इन इंडिया इट कैरीज ह्यूज अमाउंट। भारत में प्रवेश करते ही ये बहुत बड़ी हो जाती है, क्या हो गया, कुछ वरदान वरदान मिल गया क्या। वाटर सिल्ट भी बहुत ज़्यादा कैरी करती है फ्रॉम रिवराइन आइलैंड और फॉर्म रिवराइन आइलैंड। और ये क्या करती है, रिवराइन आइलैंड यानी रिवर से बने हुए आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। द वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। और उस रिवराइन आइलैंड की हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, सॉरी सेकंड चैप्टर में, सॉरी। तो वो आपको मुझे नाम बताना है कि उस वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड का नाम क्या है। ठीक है, फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश, बहुत ज़्यादा मतलब तांडव करती है, फ्लड लाती है, बहुत ज़्यादा डेविएशन करती है, बहुत ज़्यादा हानि करती है, डिस्ट्रॉइंग द मनी, आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मनी को और मतलब लाइफ को भी ये ज़्यादा खत्म करती है। कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस इज द ऑल अबाउट आर ब्रह्मपुत्र रिवर एज पर आर टॉपिक और चैप्टर। क्या याद करोगे, तिब्बत मानसरोवर लेक से ओरिजिन हो गई। ठीक है, इंडिया में प्रवेश करती है नामचा बरवा से, वहां पर इसका नाम दिहांग है, एंड इट्स कैरीज लेस वॉल्यूम इन तिब्बत एंड ह्यूज वॉल्यूम एंड सिल्ट इन द इंडिया। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई इट्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन इंडिया। ठीक है, देन स्लाइटली इट्स फॉर्मिंग द रिवराइन आइलैंड। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है बिगेस्ट आइलैंड, आपको नाम बताना है। और इसके अलावा इट कॉजेज द फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश ऑल्सो। यू कैन से दैट ब्रह्मपुत्र इज मोस्ट रिवर इन ईस्टर्न इंडिया। बहुत ज़्यादा इरीगेशन में, बहुत ज़्यादा इसका मतलब आप कह सकते हो टूरिज्म में, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अपन मैप में देखते हैं। देखो यहाँ मानसरोवर लेक है, याद करो बोखरचू से कौन निकली थी, इंडस रिवर। ठीक है, बोखरचू से कौन निकली थी, इंडस रिवर। यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है एंगसी। क्या नाम है इसका बेटा, एंगसी। मानसरोवर लेक में जो एंगसी ग्लेशियर है वहां से चल पड़ी है, कौन चल पड़ी, सांगपो। कौन चली है, सांगपो। अब आप बोलोगे सर हम तो ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे हैं, सांगपो कहां से आ गई, तो तिब्बत में, और इसका नाम क्या है, चाइना, तिब्बत में इसका नाम क्या है, शांगपो है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से जो मानसरोवर लेक में लेक पर है, यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है शांगपो, और ये
मतलब यहाँ देखो ये मतलब पूरा पार्ट किसका है, हिमालय का है, इनर हिमालय, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब बेचारी को यहाँ तो इसको घुसने का टाइम मिला नहीं, इंडिया में कोई मोटर थोड़ी लगी है जो इस सड़के इसके ऊपर आ जाएगी, नहीं ना। तो ये पैरेलल बहती है, ठीक है, हिमालय के पैरेलल ऐसे बहती बहती बहती, और इसको यहाँ मौका मिलता है, ठीक है। इंडिया में घुसने की तो बड़ी इसको इच्छा हो रही है कि मैं जाऊं जल्दी सी मिलूं, लेकिन इसको ये यहाँ पर एक गॉर्ज है जिसका नाम है दिहांग, दिहांग गॉर्ज, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नामचा बरुआ, 7757 कुछ इसका हाइट आई थी, आपको पता होगा 7757 ये शायद, नामचा बरुआ पहाड़ी में गॉर्ज है दिहांग, और इस दिहांग से ये क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो एंग्सी ग्लेशियर से कौन निकली, सांगपो, पैरेलल बह गई, यहां पर इसका, यहां पर आता हूं मैं वापस, स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम का मतलब बेटा क्या है, ये बहुत ही ड्राई रीजन है, या तो यहाँ पर आइस ज्यादा है, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है, रेनफॉल होता है तो वो स्नो रूप में होता है, मतलब पानी नहीं मिलता इसको ज्यादा, आइस बहुत ज्यादा है लेकिन वो जमी हुई है तो इसको पानी नहीं मिलता, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम है, सिल्ट भी ये कम लाती है, ठीक है। बट द मोमेंट इट्स एन इंटर इन इंडिया, इंडिया में जहां पर ये प्रवेश करती है दिहांग गोर्ज से, तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग, यानी यहां पर इसका नाम क्या है, दिहांग है। और दिहांग में इंटर करते ही इट मतलब मीट टू सो मेनी ट्राइब्यूटरीज, ईस्ट बैंक, राइट बैंक और ईस्ट बैंक से बहुत सारी नदियां इससे मिलती हैं, जिसमें दो फेमस रिवर है, एक का नाम तो है दिबांग और एक का नाम है लोहित, ये आपको याद रखना, ठीक है, दो रिवर का नाम रखना, बहुत बार पूछी जाती है कि दिबांग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, लोहित इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा ये सांगपो तिब्बत में, इंडिया में इंटर कहाँ से करी, दिबांग गोरज से, दिबांग गोरज कहाँ पर है, नामचा बरवा में, और वहां पर इसका नाम भी, इस रिवर का नाम क्या हो जाता है, दिबांग है। अब ये बहती है, ठीक है, कल कल इठलाती हुई आगे चलती है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो जाता है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो रीजन ये बच्चों कि मेघालय और आसाम, ठीक है, मासिनराम आपने सुना होगा, चेरापुंजी आपने सुना होगा, द वर्ल्ड मोस्ट रेनफॉल प्लेसेस, बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है, और बहुत ज्यादा माउंटेन एरिया है, तो वो माउंटेन से जितनी बारिश है वो आकर इसमें मिल जाता है पानी, और इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई जो वॉल्यूम और सिल्ट है ये बहुत ज्यादा है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इंटरिंग इन इंडिया इट कैरीज हुज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिल्ट, वाई, बिकॉज इन इंडिया दैट पर्टिकुलर प्लेसेस वी गेट सो मैनी, या आप कह सकते हो मच अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाटर, दैट्स वाई इट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजेज, ठीक है, यहां पर कम है तो ये डिक्रीजेज, ठीक है। अब यहां से ये क्या करती है, यहां से करती है ये, यहां पर इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब ये कहां पर आ गई, देखो ये आ गई बांग्लादेश में, तो यहां पर इसका नाम है जमुना, क्या नाम है बेटा बताओ, जमुना नाम है इसका, यमुना नहीं, डोंट बी कंफ्यूज, यमुना तो कहां से थी, गंगा की ट्राइब्यूटरी थी ना, ये जमुना है, क्या नाम है इसका, जमुना, गंगा वाली बता देता हूँ। देखो यहां से जो रिवर निकलती थी गंगा वाली, ये हमने क्या पढ़ा था, फरका बैराज पढ़ा था ना, फरका बैराज, एक तो रिवर, एक तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वो यहां चली गई, और दूसरी चली गई इसके अंदर, ठीक है। अब यहां देखो ये गंगा रिवर आ रही थी ना इधर से, ये फरका बैराज, फरका बैराज से दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली, फरका बैराज से गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली, एक तो हुगली के रूप में आगे चली गई और दूसरी यहां चली गई बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जो रिवर है जो आके जमुना में मिलती है उसका नाम क्या है बेटा बताओ, उसका नाम है पद्मा, क्या नाम है, पद्मा नाम है उसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से, याद हो जाएगा ना, सिंपल सा है, कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है।
गंगा इज नॉन एज द पद्मा इन बांग्लादेश एंड शांगपो दिबांग दिहांग और ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज द जमुना इन बांग्लादेश। शांगपो कहाँ पर है? तिब्बत में। दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? इंडिया आसाम में। और जमुना कहाँ है? बांग्लादेश में। दिस ऑल फोर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इधर से जमुना मिली, ये दोनों का मिलन करवा देते हैं, ठीक है। इधर से कौन आके मिली? जमुना। और इधर से कौन मिल आके मिली? पद्मा। और आगे फिर ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम है मेघना। क्या नाम? क्या नाम बेटा बताओ? क्या नाम हो गया? मेघना। दोबारा बताता हूँ, देखो खिचड़ी नहीं बनी ना, अच्छा सा पुलाव बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो, आंगसी ग्लेशियर से कौन निकली? शांगपो रिवर। वॉल्यूम कम, बारिश कम, ड्राई एरिया है, आइसी रीजन है, ठीक है। यहाँ से ये माउंटेन जो था इसके पैरेलल बही, और जो दिबांग दिहांग है, ठीक है, वहां से, और ये प्रवेश कहाँ करी जाती है? इसमें अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा में, ठीक है। इधर मैंने लिखा है, देखो, हेयर इट इज नॉन एज द दिहांग, ठीक है, हेयर इज नॉन एज द दिहांग। यहाँ पर दिहांग गोर्ज में नामचा बरवा पहाड़ी का नाम, देर ये प्रवेश की, यहीं पर इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग हो जाएगा। यहाँ से स्लाइटली आगे बहती है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पानी जैसे इसका यहाँ आता रहता है, फिर पानी चारों तरफ से और आता रहता है इस प्रकार से, तो ये रिवराइन आइलैंड का भी फॉर्म करती है, ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है, ठीक है। अब वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े होने की वजह से यहाँ पर फ्लड भी आते हैं, बाढ़ भी आती है आसाम में और बांग्लादेश में। आगे चलो, दिहांग दो रिवर, मेजर रिवर इसके आके मिलती हैं, ट्राइब्यूटरी, एक तो नाम इसका दिबांग, दूसरा इसका नाम है लोहित। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जमुन जो बांग्लादेश में इंटर करते हैं, इसका नाम क्या है? जमुना है, ठीक है। और गंगा जब ब्रह्मपुत्र गंगा जब बांग्लादेश में इंटर करती है, तो इसका नाम क्या है? पद्मा है। और ये पद्मा और जमुना जब आपस में मिल जाती हैं, तो एक रिवर बनी जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, इसका नाम क्या है? मेघना। तो इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज मेघना रिवर, तो यू कैन से दैट ए डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा विच इज नॉन एज द पद्मा इन बांग्लादेश एंड ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज द जमुना, वेन पद्मा एंड जमुना मीट्स इन बांग्लादेश दे नॉन एज द मेघना एंड दे एंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। रिवर का अगर पूछ ले कि उपयोग क्या है, तो उपयोग तो आप आंख मूंद करके बता सकते हो ना, बहुत ज्यादा इरिगेशन कह लो आप, फर्टिलाइजेशन में, सिल्ट में, डेल्टाज फॉर्मेशन में, रिवराइन आइलैंड में, ठीक है, टूरिज्म में, देर आर सो मैनी यूजेस और बेनिफिट ऑफ रिवर्स, ठीक है। सो ये बेटा क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र रिवर थी, एंड टूडेज क्लास यही है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की जो भी जितनी भी रिवर्स हैं, मेजर मेजर रिवर्स। तब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, गुड बाय।